और देव आए हैं पार्क। पार्क में अभी इस देव छू अभी सॉरी देव बैठा था। कहाँ गई ट्रेन यार? येरी पीछे ट्रेन दिख नहीं रही उधर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो बस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं चाचा, बड़ी मम्मी, बुआ, चाची सबसे मिलने के लिए। हाँ जी, तो ये है प्यारा सा टफी। ये ऐसा नहीं है कि हमको भौंक रहा है, ये सभी को भौंकता है। जितने भी लोग आते हैं जाते हैं आमने सामने से, ये सभी को भौंकता है। बट हाँ, ये बाकी घर वालों के साथ सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है, उनको नहीं भौंकता है। और जिनसे कभी कभी मिलता है तो फिर ये भौंक देता है। तो बस अब आ गए हैं अंदर। चाचा कहाँ गए? बिट्टू तो स्कूल गई होगी। हमें लग रहा था कि अभी वेकेशंस चल रहे हैं तो हो सकता है बुआ घर पे मिलेगी, बट स्कूल था आज तो बुआ स्कूल गई है, टीचर्स की ड्यूटी रही होगी। और ये है मेरे दादा दादी चाचा की फ़ोटो। और ये है चाचा के यहाँ का लिविंग रूम। ये यहाँ पे जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टैचू, बड़ा प्यारा सा। और देव यहाँ बैठा हुआ है। और अभी जो थी वो थी गुनगुन, मेरी कज़िन सिस्टर, वो गई है चाचे को बुलाने। अच्छे से पकड़ दादी, उसको याद आ गया। मैं उस दिन रात का मजा आया था। बड़ी मम्मी, मिष्टी, चाचा सब लोग आके बैठे हैं और हम लोगों की बातें चल रही हैं। चाची अभी आ रही है, चाची नहाने गई थी इस टाइम। स्माइल कर, स्माइल कर, डराएगा तो फिर वो। अच्छा दोनों इधर देखो, इधर देखो दोनों। अब हंसी, अभी उसका मूड रहेगा ना तो। कहाँ जा रहा है? दे, दे। मत तू। तो ये बैठी मेरी एक और कजिन सिस्टर परी, और ये रही मेरी छोटी चाची। हिंदी यार बोलो, ये मेरे को हिंदी बता देगी ना करके। नानी जी, बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुश हुई थी। ये है मेरी बड़ी मम्मी की मम्मी। अब हम लोग बड़ी मम्मी के यहाँ आ गए हैं और बस यहाँ पे बैठे हैं, बातचीत चल रही है। और देव अभी भी मिष्टी के साथ अंदर खेल रहा है। अब हम आ गए देव को लेके बड़ी चाची से मिलने के लिए। फिर घर आ गए थे, दोपहर को लंच किया, रेस्ट किया, सब लोगों ने आपस में बातचीत करी और थोड़ी देर हम लोग सो भी गए थे। और बस ये शाम का टाइम है और ये है रंग पंचमी का दिन। मेरे व्लॉग बहुत लेट जा रहे हैं तो बस पापा जी मम्मी जी को रंग पंचमी का टीका लगा देते हैं, क्योंकि होली में नहीं आ पाए थे तो रंग पंचमी भी तो रंग खेलते ही है ना, तो इसलिए टीका लगा लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। बैर पड़ बाबा हम जगह। जाना बेटा, इधर देखना रे पम्मा, ब्लर क्यों बन? फोटो ले लेते हैं।
थक गए होंगे एकदम करते करते। अरे हाथ मम्मी जी बना रही है बर्फी, ये मेरी फेवरेट बर्फी है। अरे मम्मी जी बनाती तभी खाती हूँ मैं। अकेले के लिए सादा था ना, मैं कोई चीज तैयार नहीं। मैं नहीं, मैं तो खाऊंगी बहुत दिन में। जो हम लोग आए थे जो बर्फी थी डब्बे में, अच्छी सारी बर्फी थी, वो हमने 2 दिन में खा ली है पूरी बर्फी। और ये बेसन रॉय वाली बर्फी और कहीं की अच्छी नहीं लगती हमको, मतलब कहीं से पड़ोसी के से भी आती है, मम्मी जी की हाथ की अच्छी लगती है। कब से हो गया, 2 घंटा तो हो गया करते करते। ये दोनों जा रहे हैं गार्डन, क्योंकि यहाँ पे गार्डन में ट्रेन स्टार्ट हुई है, जो लास्ट टाइम बंद थी, नहीं पिछले बार गया तो बंद थी वो, उसको बैठना है। मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है तो मैं नहीं जा रही अभी। ए पिस्टू हट, पिस्टू हट, पिस्टू सुनता है बराबर, हट रख लो जी। पिस्टू है, पिस्टू का पीस एक और रखना चाहिए। हां एक तरफ बाहर यहाँ से गिर जाएगा बेटा, यहाँ खड़े हो पेड़ के साथ। तो पिस्टू जो है वो हमारे साइड में जो आंटी जी रहती है उनके यहाँ के डॉग का नाम है, तो वो आ गया था, गेट नहीं ओपन करने दे रहा था। मम्मी जिसको बिस्किट्स वगैरह देती है ना, तो वो आते रहता है, तो उसका टाइम हो गया होगा इसलिए वो आके बैठ गया था। तो मम्मी जी फिर थोड़ी देर बाद जाके दे देती है। अब ये लोग जा रहे हैं गार्डन, और मेरा भी काफ़ी मन था, लेकिन इस टाइम पर मुझे इतना दर्द था ना कि मैं नहीं जा पा रही थी, तो बस यही दोनों होके आ जाएंगे अभी। अभी आपने सुना ही होगा, देव बोल रहा था मम्मा फ़ोन दो ना, क्योंकि मेरा मोबाइल साथ में लेके गए हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में लगवाना था स्क्रैच गार्ड और कवर भी देखना था स्विच को, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था। और इसके बाद ये दोनों जाएंगे पार्क और इंजॉय करेंगे। देव के तो राउंड ही नहीं खत्म हो रहे थे, जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ फिर उसने पापा कहा सेकंड राउंड ये टिकट लेकर आए, फिर कहा थर्ड राउंड ये टिकट लेकर आए, 3 राउंड्स पे बैठा है तब जाके इसकी इच्छा पूरी हुई है। अगर मुझे दर्द नहीं होता ना तो मैं भी ज़रूर आती, बहुत मन था मेरा भी।
हो गया भाई हो गया। इसके बाद देव ने कई सारे झूले भी झूले, पार्क में घूमा। और यहाँ पे ना एक फाउंटेन है, वो फेस वाला फाउंटेन है, कलर चेंज होते हैं, बट वो शायद उस दिन बंद था। उसके सामने मतलब पिक्स लेना, वीडियो बनाना देव को बहुत पसंद है, बहुत सारे लोग वहाँ रील बनाने के लिए भी खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं फैमिली के साथ। और यहाँ स्वीटी और देव की खुशी देखिए, दोनों बड़े खुश लग रहे थे। मैं और देव आए हैं पार्क, पार्क में अभी इस देव झू अभी सॉरी देव बैठा था, कहाँ गई ट्रेन यार, मेरी पीछे ट्रेन दिख नहीं रही उधर। रुक चल तू ऊपर खड़े हो जा, इस पे खड़े हो जा। हाँ देखो तू मेरे बराबर आ गया, इधर देखना कधे। इसके बाद ये लोग लेके आए थे मार्केट से लस्सी विद आइसक्रीम, पापा जी को बहुत बहुत पसंद है, हम सभी को पसंद है बट पापा जी को ज़्यादा पसंद है ये वाली लस्सी। तो बस पूरी फैमिली साथ में बैठ के लस्सी पी रही थी, पहले तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं क्या करती हूँ पहले आइसक्रीम खा लेती हूँ उसके बाद ही लस्सी पीती हूँ, और स्वीटी पूरी मेल्ट करते हैं उसमें फिर पीते हैं। हाँ जी, बहुत सारे व्यूअर्स के पुराने व्लॉग्स पे ये कमेंट है कि क्या आपकी मम्मा महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। हाँ जी, मेरी मम्मा महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, यही रीज़न है कि आपको मेरे खाने में भी बहुत सारी महाराष्ट्रीयन डिशेज़ दिख जाती है, जो मैं कई बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, उसका पूरा क्रेडिट मेरी मम्मा को ही जाता है। तो मम्मी जी ने आज डिनर में बनाई है गर्मा गर्म पूरन पोली, और साथ में दही है, मीठी दही और घी है। मुझे घी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब घी में पूरी डुबा के जब खाओ ना अलग ही मज़ा आता है। ये लोग यहाँ पर डिनर करने बैठ चुके हैं। मम्मी जी बना रही है यहाँ पे चाकोली, थक गई है मुझे आज, 4 बजे से कर रहे हो क्या पहले से बर्फी? 9 बज रहा है, 9:15। और मम्मी जी ने ही सब कुछ बनाया है, मैं तो रेस्ट कर रही थी, मेरे पेट में बहुत दर्द था, इस वजह से मम्मी जी मुझे करने भी नहीं दे रही थी, और मम्मी जी काफ़ी थक चुकी थी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।